यह मंदिर गलियों में, लोगों के घरों में घिरा हुआ था, आने का रास्ता नहीं था। प्रतिदिन 10,000-15,000 दर्शनार्थी आते थे, उन्हें उसमें भी आने की जगह नहीं मिलती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है ये ऐतिहासिक है, अद्भुत अनुभूति है। प्रत्येक शिव भक्त, प्रत्येक सनातन धर्मी, प्रत्येक भारतवर्ष का नागरिक इस बात को लेकर गौरव करता है कि श्री विश्वनाथ धाम आज से एक साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए लोकार्पित किया। प्रत्येक व्यक्ति इसको लेकर के गौरव की अनुभूति करता है, सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता है। इस विकास गाथा से श्री विश्वनाथ धाम के जीर्णोद्धार से, निर्माण से पूरे वैश्विक स्तर पर काशी का पर्यटन, काशी का आध्यात्मिक परंपरा जो पहले से ही अपने आप लोग जानते थे, उसको विस्तार देने का काम हुआ है। काशी के अर्थतंत्र, अर्थव्यवस्था, व्यवसाय को भी बढ़ाने में इसकी भूमिका अद्भुत रही है। सभी लोग इसको लेकर के गौरव की अनुभूति करते हैं और सभी लोग एक ही स्वर कहते हैं, धन्यवाद मोदी जी। भजन संध्या में सारे शहर के लोग भी आमंत्रित हैं। सभी जानते हैं कि एक वर्ष पहले जब उद्घाटन हुआ था तो एक महीने पर्यंत कार्यक्रम चले थे, उसमें समाज के सारे लोग, काफी शहरों के लोग यहाँ शामिल हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके सभी लोग शामिल हुए थे। सभी का पानी यहाँ पे लाके उनके माध्यम से बाबा का अभिषेक हुआ था। उसी की वर्षगांठ को मनाने के लिए ये परंपरा शुरू की गई है कि एक वर्ष का जो वार्षिकोत्सव है ये भी हम बड़े धूमधाम से मनाएं। अब की बार तमिल संगमम की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट रहा लोगों का, परंतु अगले वर्ष से और भी इसको भव्यता से मनाने का विचार किया गया है और पहले से उसकी तैयारियाँ 2 दिवसीय या 3 दिवसीय चालू की जाएंगी। एक वर्ष की मेहनत का परिणाम ये हुआ है कि श्रद्धालुओं का जो आकर्षण है बाबा के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ा है। और जैसा आप पिछले 2-3 दिन से मीडिया में डाटा देख ही रहे हैं, 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पिछले एक वर्ष में यहाँ आके बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। किसी भी धर्म स्थल पे ये संख्या में बड़ी अप्रत्याशित बढ़ोतरी जो होती है उसकी कैटेगरी में आती है। लगभग 500% के आसपास चढ़ावा या दान या लोगों का फुटफॉल, ये साबित करता है कि लोगों में कितना आकर्षण था। और जैसे ही ये धाम का कार्य पूरा हुआ वो आकर्षित लोग इसके दर्शन करने के लिए पहले ही साल में चले। बाबा विश्वनाथ धाम के दरबार का एक वर्ष पूरा हो गया है, आज बाबा के इस धाम का वर्षगांठ मनाया जा रहा है। अभी देखिए, हम ठीक हमारे सामने आपको दिख रहा होगा कि तमाम प्रबुद्ध जन, ब्राह्मणों और मंदिर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर हवन पूजन किया जा रहा है। और एक बार धाम की भव्यता को आपको दिखा दें, ये वही धाम है जो ठीक एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी परिकल्पना के तहत निर्माण कराया था। और देखिए कितनी भव्यता से यह भवन अपने एक साल पूरा कर रहा है और इस एक वर्ष में इस भवन में, बाबा के दरबार में 100 करोड़ रुपए का चढ़ावा भी चढ़ा है। बाबा के इस धाम की भव्यता ये है कि करोड़ों भक्त बाबा के धाम में दर्शन करने आते हैं और हर एक उत्सव हो, हर एक त्योहार हो, इस धाम में रिकॉर्ड नया कायम हो रहा है। और आज एक वर्ष पूर्ण होने के बाद यहाँ पे हवन पूजन के बाद तमाम संगोष्ठियां और संगोष्ठी के बाद देर शाम अनुराधा पौडवाल, जो एक सुप्रसिद्ध भजन गायक है, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। उसके साथ साथ हम बता दें कि पूरे शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, झांकियां निकाली गई हैं और एक भव्य उत्सव मनाया जाएगा इस एक वर्ष के वर्ष घाट में। फिलहाल एशिया नेट न्यूज से अनुज तिवारी, बनारस।